हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो। तो इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है, खास करके साइबर टेक एजुकेशन में। एक्चुअली आपको इंग्लिश में ही बता रहा था। आई बेसिकली प्रिफर टू से इन इंग्लिश, ठीक है। तो फिर आज से इस वीडियो में हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों मिलके हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो आई रियली अपोलोजाइज, ठीक है। तो फिर माफ़ कर दीजिए इफ आई से समथिंग रॉन्ग इन हिंदी, क्योंकि मेरा हिंदी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको कंटेंट जो भी है ना, वो ठीक से प्रोवाइड कर पाऊँ। तो फिर हम इस वीडियो खास में और इस वीडियो क्लास में हम बढ़ेंगे गूगल रिसेंट और रिसेंट अपडेट जो भी होता है ना, कुकीज़ जो भी हम एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नया अपडेट जो भी है वो लाया गया है गूगल की तरफ से, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर आप अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ और साइबर टेक एजुकेशन को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। तो बेसिकली इन दिस वीडियो, राइट, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट गूगल्स रिसेंट एडिशन टू क्रोम्स ट्रैकिंग प्रोटेक्शन प्रिवेंट थर्ड पार्टीज कुकीज। सो विल बी हैविंग ए डिस्कशन, ठीक है। हम पढ़ेंगे एक साथ व्हाट एक्चुअली हियर रिटन, ठीक है, इसमें क्या दिया है। मैं आपको इंग्लिश में एज वेल एज हिंदी में दोनों बता देता हूँ ब्रीफली, ठीक है। तो इसमें ना एक्चुअली क्या होता है कि बेसिकली व्हाट हैपेंस हियर इज दैट, लेट मी फर्स्ट कन्वे इन इंग्लिश, देन आफ्टर आई विल बी कन्वेइंग यू सच दैट योर अंडरस्टैंडिंग एंड कैपेबिलिटी ऑफ गेटिंग द थिंग्स विल बी मोर फ्रूटफुल, ओके। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट थर्ड पार्टीज कुकीज, राइट, सो दीज आर द स्मॉल पीस ऑफ डाटा दैट वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज स्टोर्स ऑन यूजर्स ब्राउजर्स, ओके, दैट बट दे आर सेट ऑफ बाय डोमेन अदर देन द वन द यूजर इज एक्टिवली विजिटिंग, ओके। तो दीज कुकीज अलाउ थर्ड पार्टी एंटिटीज सच एज एडवर्टाइजर्स एंड एनालिस्ट सर्वर्स टू ट्रैक यूजर्स अक्रॉस डिफरेंट वेबसाइट्स एंड ऑल्सो गैदर अबाउट द ऑनलाइन बिहेवियर, ठीक है। तो फिर इसमें थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि अगर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ वेबसाइट में अगर हम जाएंगे या फिर उस यूआरएल को विजिट करेंगे, एक कुकीज एक्सेप्ट आएगा जो कि एडवर्टाइजिंग के लिए एक्सेप्ट करने के लिए और अलाउ करने के लिए और एंटिटीज को डालने के लिए, ओके, एज ए वेबसाइट, ठीक है। हम एक्चुअली वो आपको आपको एक्चुअली वो क्या होता है, जब आप टेरा बॉक्स में यूजली डाउनलोड करते हो और विजिटिंग करते हो, तो फिर हर एक 2 to 3 मिनट में एक एक एडवर्टाइजमेंट आता है। तो दैट इज ऑल अबाउट थर्ड पार्टीज, ओके। सो बेसिकली, ठीक है, गूगल और क्रोम में भी ऐसा नहीं हो पाए और डिसेबल कर पाए, वो भी एक प्रॉम्प्ट अटेम्प्ट है, ओके, ठीक है। व्हेन वी डिस्कस अबाउट साइबर वर्ल्ड, साइबर सिक्योरिटी, सो हियर इज द ब्रेकडाउन ऑफ की पॉइंट रिलेटेड टू थर्ड पार्टीज कुकीज। सो इसमें क्या क्या की पॉइंट्स है, वन इज ओरिजिन एंड पर्पोज, तो कहाँ एंड किस लिए, ठीक है, किस लिए और कहाँ। ट्रैकिंग एंड टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, ओके, ट्रैकिंग मतलब ध्यान, मतलब ट्रैक करना और कौन कौन सा को कौन से साइट्स को एक्चुअली टारगेट करते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए। और यूजर प्राइवेसी कंसर्न, डेफिनेटली हमारा प्राइवेसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एवरी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो ओरिजिन एंड पर्पज, व्हेन वी डिस्कस अबाउट ओरिजिन एंड पर्पज, राइट, तो फर्स्ट पार्टीज कुकीज एंड थर्ड पार्टीज कुकीज, प्रथम पार्टी कुकी एंड तृतीय पार्टी कुकीज। सो फर्स्ट पार्टीज कुकीज व्हाट एक्चुअली हियर इज दैट, सो दीज आर सेट ऑफ डोमेन्स वेर द यूजर इज एक्टिवली विजिटिंग, दे आर प्राइमरली यूज टू एनहांस द यूजर एक्सपीरियंस ऑन ए स्पेसिफिक वेबसाइट, ओके, रिमेंबर यूजर प्रेफरेंस एंड मेंटेन सेशन इंफॉर्मेशन। थर्ड पार्टी कुकीज आर जस्ट लाइक दीज आर सेट ऑफ डोमेन्स अदर देन द वन देयर यूजर इज विजिटिंग, दे आर ऑफन यूज बाई ट्रैकिंग सच बिहेवियर अक्रॉस मल्टीपल वेबसाइट्स एनेबलिंग एडवर्टाइजमेंट्स एनालिस्ट सर्विसेज टू कलेक्ट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ डाटा एंड टारगेट एडवर्टाइजिंग एंड एनालिसिस, ओके। ट्रैकिंग एंड टारगेटेड एडवर्टाइज, थर्ड पार्टीज कुकीज आर कॉमनली यूज बाई एडवर्टाइजिंग, ओके। सो एक तृतीय पार्टी है जो कि एक स्पेसिफिक वेबसाइट को ना डालकर दूसरा कोई वेबसाइट को ट्रिगर करता है, दूसरा कोई वेबसाइट को ये करता है। सो दैट्स हाउ एक्चुअली द थर्ड पार्टी कुकीज एक्चुअली टारगेटिंग देर एक्टिविटीज इन डिफरेंट वेबसाइट्स। यूजर प्राइवेसी कंसर्न, डेफिनेटली यूजर प्राइवेसी कंसर्न एक पॉलिसी है जिसके दौरान या फिर जिसके दौरान हम जान सकते हैं कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्टिविटी लेजिटिमेट है या फिर
unlegitimate है. So the user of the third party cookies have raised their privacy concern because user may be unaware to extend to which their online activities are being tracked and profiled. Okay, critic argue that the third party cookies may lead to creation of the details, user privacy, or potentially compromising accounts. Regulatory changes, definitely ek regulatory changes ya fir mulyavan change ya fir चेंजेस जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, ला सकते हैं. क्या क्या वो भी इसमें दिया गया है बेस्ट एग्जांपल के साथ कि ड्यू टू ग्रोइंग प्राइवेसी कंसर्न, ठीक है, के सेवरल वेबसाइट एंड ब्राउजर्स एंड रेगुलेटरी हैव टेकन स्टेप्स टू लिमिट और फेज आउट द यूज ऑफ थर्ड पार्टी कुकीज. एंड फॉर एग्जाम्पल एप्पल सफारी मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर, हम सब जानते हैं मोजिला, राइट, जो कि इम्प्लीमेंट कर चुका है दिस इस तृतीय पार्टी या फिर थर्ड पार्टी कुकीज को ब्लॉक करने के लिए. ओके, और तीसरा है गूगल. सो गूगल में क्या होता है कि विच हिस्टोरिकल रिवील्ड हैवीली ऑन द थर्ड पार्टी कुकीज फॉर विच द एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम हैज अनाउंस प्लान टू फेज आउट द थर्ड पार्टी की कुकीज इन क्रोम ब्राउजर. तो हम ना इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रेगुलेटरी चेंजेस जो कि लाया गया है. एंड अल्टरनेटिव टू टेक्नोलॉजी ये है एक्चुअली क्या कि एज द थर्ड पार्टी कुकीज आर बींग फेज्ड आउट, इंडस्ट्री इज एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी एंड मेथोलॉजी फॉर ऑनलाइन ट्रैकिंग एडवर्टाइजिंग. एंड दिस बेसिकली इंक्लूड्स इनिशिएटिव्स सच एज गूगल प्राइवेसी सैंडबॉक्स व्हिच बेसिकली एम्स टू प्रोवाइड प्राइवेसी प्रिजर्विंग सॉल्यूशंस फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग. सो इट इज प्रायर इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द लैंडस्केप ऑफ ऑनलाइन प्राइवेसी एंड ट्रैकिंग इज डायनेमिक विद ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड द बेसिक चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द इवॉल्विंग प्राइवेसी कंसर्न एंड रेगुलेशन. So here what actually happened is that user as well as the business operating on the web where should have to stay informed about the changes and adapt the policy. So ठीक है, तो ये एक्चुअली है हम डिस्कस कर चुके हैं कि थर्ड पार्टी यूजर क्या है एक्चुअली और थर्ड पार्टी एक्चुअली यूजर्स का ट्रैकिंग कैसे होता है वो हम जान चुके हैं. और अगला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गूगल क्या क्या अपडेट लाया है इसमें. ठीक है, उस तब तक धन्यवाद.